आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। देवाधिदेव व महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव। भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण चल रहा है। श्रावण मास में जगह जगह भगवान शिव की आराधना की जा रही है। इसके साथ ही रामचरितमानस रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। आज हम आपको भैरवगंज स्थित श्री हनुमान व्यायामशाला लेकर आए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का यहाँ देखिए किस तरह से पूजन चल रहा है। भैरवगंज स्थित श्री हनुमान व्यायामशाला में श्रावण मास में नर्मदेश्वर महादेव का श्रृंगार। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। भैरवगंज भैरव बाबा के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि भैरव बाबा के कारण ही इस क्षेत्र का नाम भैरवगंज पड़ा। वैसे सिवनी का उपनगरीय इलाका माना जाता था 70 के दशक तक। उसके उपरांत सिवनी शहर में इसे ये शामिल हो गया। दरअसल दलसागर तालाब की चारों तरफ की सड़क इसे सिवनी से पृथक करती थी। उस दौर में यहाँ महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल और 60 के दशक की अगर हम बात करें तो 60 के दशक में महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के अलावा डिग्री कॉलेज जो उस समय के नॉर्मल स्कूल में लगा करता था, दो चीज़ों के कारण यहाँ लोगों का आना जाना था। और भैरवगंज में जो भी निवास करते थे वे शहर से लगभग ये माना जा सकता है, उस दौर के लोग बताते हैं कि शहर में आवागमन उनका बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता था। कितनी सुंदर प्रतिमा यहाँ पर भगवान शिव की दिख रही है। 70-80 के दशक में भैरवगंज जाने वाले, कॉलेज जाने वाले आज अधेड़ हो चुके नागरिकों को अच्छे से याद होगा कि जब वो भैरवगंज के से सड़क से निकला करते थे तो हाथ करघा की खट खट की आवाज़ उनके कानों में गूंजा करती थी। इसके अलावा बर्तन यहाँ बनाए जाते थे, बर्तन पीटने की आवाज़ भी उनके कानों में गूंजा करती थी। यहाँ देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस दौरान किए जा रहे हैं। श्रावण मास के दौरान, श्रावण मास में जबरदस्त पानी की झड़ी फिलहाल लगी हुई है। सावन में पानी की झड़ी बुधवार और बृहस्पतिवार 2 और 3 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे से आरंभ हुई है और बृहस्पतिवार 3 अगस्त को दिन भर बारिश होती रही। आज अधेड़ हो रही पीढ़ी को अच्छे से याद होगा कि जब वे शालाओं में अध्ययनरत थे तब ऐसी 6-6-7-7 दिन की झड़ी लगा करती थी। उस दौरान उनके कपड़े गीले हो जाया करते थे जब वे स्कूल से जाते आते थे। संपन्नता का वह दौर नहीं था। उस दौर में कपड़े जब सूखते नहीं थे तो सीलन भरी बास दुर्गंध कक्षाओं से आया करती थी, पर उसके बाद भी बहुत ही तन्मयता के साथ विद्यार्थी पढ़ा करते थे। भैरवगंज के जिस क्षेत्र में वर्तमान में हनुमान व्यायामशाला है वो 60 के दशक में वहाँ पर आबादी ना के बराबर ही हुआ करती थी, खेत हुआ करते थे। दरअसल भैरवगंज की आबादी शिव मंदिर के आसपास और नॉर्मल स्कूल जहाँ डिग्री कॉलेज लगा करता था, डिग्री कॉलेज का अपना भवन नहीं हुआ करता था। डिग्री कॉलेज सबसे पहले सिवनी में कॉलेज का आरंभ हुआ शकरचंद जैन महाविद्यालय के रूप में, जो अस्पताल और सर्किट हाउस के सामने वाला मैदान है स्मृति धर्मशाला उसके कॉम्प्लेक्स के बाजू में, जो जिसे भूत बंगले के नाम से भी शहर के लोग जानते थे, वहाँ पर शकरचंद जैन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद नॉर्मल स्कूल के भवन में डिग्री कॉलेज काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा और उसके बाद सिवनी में कॉलेज का भवन बना। इस भैरवगंज में कितनी सुंदर प्रतिमा दिख रही है भगवान शिव देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा की। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग तो बन रही है पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला अभी तक आरंभ नहीं हो पाया। अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला आरंभ हो गया होता तो एकाध साल में सिवनी मेडिकल कॉलेज से 150 चिकित्सक बनकर निकल जाते। बहरहाल
देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव का प्रिय मास श्रावण चल रहा है। भैरवगंज में देख सकते हैं, भैरवगंज के इस हनुमान व्यायामशाला मंदिर में किस कदर श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को प्रसाद भी दिया जा रहा है, ये देखिए हलवा भी यहाँ दिया जा रहा है, प्रसाद सभी को समान भाव से दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। कितनी जबरदस्त भीड़ है, कितना उल्लास है, कितना धर्म भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। वैसे भी सिवनी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है, भगवान शिव की नगरी सिवनी में हर धर्म वर्ग संप्रदाय पंथ के त्योहारों को बहुत ही तन्मयता के साथ मनाया जाता है। कितनी सुंदर प्रतिमा भगवान शिव देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव की प्रतिमा, और प्रतिमा के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। बच्चे यहाँ पर, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, अधेड़ हों, प्रौढ़ हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी यहाँ पर आकर देवाधिदेव महादेव के प्रिय मास श्रावण में देवालयों में जाकर, शिवालयों में जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इसके साथ ही छोटी छोटी सी रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर उनके द्वारा डाली जाती है। भगवान शिव यहाँ पर जो उनकी प्रतिमा के सर के ऊपर से माता गंगा भी प्रवाहित होती हुई दिख रही होंगी आपको। चांद, अर्धचंद्राकार चंद्रमा, गले में सर्प, तीसरा नेत्र, और ऊपर आपको गंगा माता बहती हुई दिखाई दे रही होंगी। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये शिव की नगरी सिवनी के भैरवगंज क्षेत्र में महावीर व्यायामशाला, महावीर श्री हनुमान मंदिर का, आपको श्री हनुमान व्यायामशाला का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर जारी हैं और तरह तरह की यहाँ पर प्रतिमाएं बनाकर रखी गई हैं जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। पूजन अर्चन के साथ सेल्फी लेना या फोटो खिंचवाना लोगों का प्यारा शगल बनकर रह गया है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए माता गंगा प्रवाहित होती हुई आपको ऊपर से दिख रही होंगी। सुंदर मनमोहक प्रतिमा देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव की। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में खबरें अगर आपको पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये कैसी लग रही है। अशोक सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।